गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज नीलकंठ एंड आई एम अ ग्रेटफुल रिकवरिंग अल्कोहलिक। हाय नीलकंठ। हाय नीलकंठ। हाय एवरीबॉडी, थैंक यू। मैं ए रिवाइवर ग्रुप का सदस्य हूँ, मैंने स्पॉन्सर लिया हुआ है और मेरे स्पॉन्सीज के साथ काम करता हूँ और मुझे उनसे बहुत सीखने को मिलता है। आज के दिन आज तक मेरे लिए जहरीली साबित हुई शराब से मैं खुशी से दूर हूँ। दोस्तों, मुझे टॉपिक दिया है डिजीज ऑफ डिनायल, बीमारी का नकारात्मक भाग। मैं सर्वप्रथम नवजीवन समूह नागपुर का अत्यंत आभारी हूँ कि मुझे शेयर करने की संधि दी। और सबका तो नाम नहीं लूंगा, बट ज्ञानेश भाव है, मनीष भाव है, राजू भाव है, सचिन भाव है, इन सबका मैं बहुत आभारी हूँ। विषय को न्याय देने का कोशिश करता हूँ मेरे अनुभव से। दोस्तों, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से पहले, मतलब मैं अल्कोहलिक होने से पहले ए का ज्ञान था, बिकॉज हमारे घर में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आता था, उसमें हेल्पलाइन में आता था ए के बारे में, अपना भाईखला का एड्रेस भी आता था, फोन नंबर भी आता था। मुझे मेरिस क्लैन के बारे में पता था, जो ब्रदर सिरिल ने चला रहे थे, जो बेघर बेवारशी अल्कोहलिक्स होते हैं उनके लिए, अप माउंट मेरी चर्च में बैंड्रा में। मुझे पुनर्वसन केंद्र के बारे में पता था, रिहैब मैंने पढ़ा था, न्यूज़पेपर में आते थे आर्टिकल्स। मैं सोचता था, अरे क्या वो आदमी यार जिनका जिंदगी का पुनर्वसन करना पड़ता है, इतने गए गुजरे और साले थर्ड क्लास होएंगे वो आदमी लोग। अभी मैं डायरेक्टली कट करता हूँ, मेरे फर्स्ट मीटिंग का अनुभव मैं शेयर करता हूँ। मैं ठाणा में आया 1994 में, मेरा जन्म हुआ 61 घटकोपर में। मैंने रॉनी बोल के एक सदस्य को फोन किया, मैं वहां पे नंबर दिया था, वो नंबर पे फोन किया और रॉनी बोल के किसी ने फोन लिया। अभी वो रॉनी नहीं जो 47 ईयर थे बेंगलोर में, उनसे कल ही बात किया, वो रॉनी अभी नहीं है फेलोशिप में, ऐसे बोलते हैं, दिखता नहीं, किसी को पता हो तो बता देना। वो मेरा फर्स्ट कॉन्टेक्ट था। बेवड़ा है बोल के बोला, मेरे दोस्त को ना एक ही मीटिंग करनी है। तो उन्होंने पूछा, दोस्त कहाँ रहता है? बोला ठाणा में। तो मुझे नवप्रकाश, रिवाइवर, कड़वा और सिंघानिया स्कूल का, तभी चार ही मीटिंग्स थे। मैं आखिर गया नवप्रकाश के मीटिंग में, तभी सेकंड फ्लोर पे होती थी, अभी थर्ड फ्लोर पे होती है टेरेस में। फुल टाइट गया दोस्तों, पिताजी की बहुत बोम बोम हो रही थी घर में, इसके लिए मैं मीटिंग को गया। मैं वहां यही देखने गया था कि हाउ आई डोंट बिलोंग हियर, ये जगह कैसी नहीं है मेरे लिए, वो देखने के लिए मैं गया था। मतलब मैंने गुलाबी चश्मा पहना है तो मुझे सब गुलाबी दिखेगा, ब्लू टिंटेड पहना है तो ब्लू दिखेगा, येलो पहना है तो येलो दिखेगा, सब गोल्डन कलर का। मेरे गुड लक से या बैड लक से बोलो दोस्तों, मुझे उधर ऐसे अनुभव सुनने को मिले जो मेरे से जरा भी नहीं मैच होते थे। लोग आ रहे थे और बोल रहे थे, मैंने कंट्री की पी, मैंने हाथ भट्टी की पी, मैंने भीख मांग के पी, मैंने औरत के गहने गिरवी रख के या बेच के पी, मैंने घर के बर्तन, फ्रिज, क्या जो भी है, टीवी, पंखा तक बेच दिया और मैंने पी। मुझे जो मांगता था वो मुझे मिल गया। मैं बोला, अपने को पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग के पैसे खत्म हो गए। बोला, कंगाल लोग है, कंट्री और हाथ भट्टी पीने वाले हैं, बोल के सुधर गए, रास्ते पे आ गए, अपने को जरूर नहीं है। लॉन्ग स्टोरी बहुत शॉर्ट में एक सेंटेंस में बोलता हूं तो मैं आगे का शेयरिंग आपको कर सकूंगा। ये प्रोग्राम में आने के बाद जो प्रोग्राम से खिलवाड़ करता है, ये तो कहते ही है कि प्रोग्राम में जो आता है ना उसके ग्लास में कॉकरोच या झुरड़ गिर गया, वो कभी चैन से, सुख से, शांति से पी नहीं सकेगा। वो मेरे बारे में भी हुआ। मैंने बोला, ये मीटिंग मेरे लिए नहीं है, डिजीज ऑफ डिनायल, नकारात्मक भाग, मैं बेवड़ा नहीं हूं, ये कोई मद्यपाश वगैरह बेवड़े लोग ने खुद का मन बहलाने के लिए कुछ किया है। हालांकि मेरा रीडिंग काफी अच्छा था, आई एम अ रीजनेबली वेल रेड पर्सन, यू नो, पर मद्यपाश के बारे में मुझे पता नहीं था। मद्य पीने की वजह से जो बीमारियां होती है ना, लिवर सिरोसिस, हार्ट ट्रबल, आजकल तो कैंसर बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज होता है, वो मुझे पता था, पर ये मद्यपाश, अल्कोहलिज्म पर से इज अ डिजीज, आई डिड नॉट नो। मैं बोले, ये तो उल्लू बना रहे, अपना मन बहला रहे, मैं मीटिंग्स नहीं किया। परिणाम एक सेंटेंस में बोलता हूं, 3 बार पुनर्वसन केंद्र, 8 बार हॉस्पिटल,
3 बार रमफिट, रमफिट का मैं मतलब समझाऊं, जैसे डिलिरियम ट्रेमेंस हाथ वगैरह कांपते हैं ना, रमफिट उससे बहुत आगे की है चीज, फट करके कन्वल्शन आके आदमी गिर जाता है, मेरे साथ हुआ है 3 बार। और उसको कांदा ऑनियन सुंगाने को दो या चप्पल दो चमड़े की, वो नहीं, उसको जब भी आना होता है ना होश में, तभी वो होश में आता है। और बहुत सारे जन होश में भी नहीं आते, उसमें मर भी जाते हैं। एक बार ब्लड वॉमिट हुआ, अभी हॉस्पिटल, जब भी मेरे बेडरूम को ही अटैच जो बाथरूम टॉयलेट है उधर तक मैं जा नहीं सकता था ना, तभी मैं हॉस्पिटल को जाने को तैयार हुआ। बोलता था चलो मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मैं हंस गए कुछ लोग गुणी बाण नहीं है हमारा हॉस्पिटल में देखे। तो जब मेरी पूरी फट्टी थी ना, या फट के दरवाजा, अभी पुनर्वसन केंद्र, वहां पे मुझे झाड़ू लगाना पड़ता था, पोछा करना पड़ता था, बाथरूम टॉयलेट साफ करने पड़ते थे। भगवान की दया से मुझे मेरे घर में मेरा चाय का कप भी नहीं धोना पड़ता है, मेरा रुमाल भी नहीं धोना पड़ता है। पर मैं नहीं सुधरा दोस्तों, ये जो बीमारी के बहुत सारे जो लक्षण बताए हैं ना, कनिंग बैफलिंग पावरफुल, मतलब फसवा कावेबाज घोटाला टाकनारा, और जो कहते हैं कभी नहीं ठीक होने वाली बीमारी, हमेशा बढ़ते जाने वाली बीमारी, अंतिम दो ही परिणाम, अकाली मृत्यु या पागलपन। अकाली मृत्यु, मृत्यु के दरवाजे तक बहुत टाइम में जाके लौटा हूँ दोस्तों, मुझे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस बहुत है। पागलपन क्या किया है, बाप रे बाप। पागलपन ये नहीं कि मुझे कागज खाना चाहिए, या यू नो शर्ट के बटन खुले रख के कांच पे पत्थर मारना चाहिए, वही 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 चीज बार 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 करना, और कुछ दूसरा परिणाम होवे उसका, उसकी अपेक्षा करना, ये सबसे बड़ा पागलपन है, मैंने किया था। अभी मैंने जो जो आधार के लक्षण बताए, फसवा कावेबाज घोटाला टकनारा, वो जो ईमानदारी खुले मन प्रामाणिकपना जो कहते हो, मेरे में कुछ था ही नहीं, मुझे मालूम भी नहीं था कि ऐसा चीज रहता है। वो क्यों नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा विस्तार में। मेरे बारे में जो सबसे खतरनाक साबित हुआ है, दैट इज द डिनायल, द नकारात्मक भाग। दोस्तों जब मैं पहली बार मीटिंग में आया था 1998 में आया था, कभी सितंबर अक्टूबर में, तभी मेरे हालात क्या थे, हफ्ते में से कम 5 दिन मुझे टोटल ब्लैकआउट होता था। सुबह जब उठा था अपने बिस्तर में, मैंने कैसा मेरा बाइक चलाया, किधर गया था, कैसे पार्क किया, मुझे कुछ याद नहीं रहता था। क्या खाना खाया जाने दो, आया क्या नहीं, किससे झगड़ा किया, मारा मारी किया, कुछ नहीं याद रहता था दोस्तों। पर मैं शराब छोड़ने को तैयार नहीं था, बिकॉज मैं शराब के बिना जीवन की संकल्पना ही नहीं कर सकता था दोस्तों। मैं ये सोचता था और बताता था खुद को कि आई एम कमिटिंग फ्रैक्शनल सुइसाइड, मैं अंश अंश से आत्महत्या कर रहा हूं, बिकॉज मुझे मालूम पड़ता था मेरे लीवर की सूजन बढ़ती थी, मुझे जरा भी खाना खाने की भूख, खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती थी। मैंने कितना 15 15 20 20 दिन, एक एक डेढ़ डेढ़ महीना खाना नहीं खाया है दोस्तों। दाढ़ी करने का जाने दो, स्नान करने का जाने दो, मैंने दो दो तीन तीन महीने ब्रश भी नहीं किया है। मैं कैसा जिंदा हूं मुझे पता नहीं। पूरा दिन मैं रात को भी नहीं थूकता था, तभी वो माणिकचंद और पान पर आ जाता था, सादा भी और गुटखा का भी। सादा था ब्लू कलर का, गुटखा था येलो कलर का, और तंबाकू 2400 घंटे मेरे मुंह में रहती थी, चबा चबा के खा भी जाता था, बीच में से दारू जाती थी। गुटखा तंबाकू दारू सब बंद है, भगवान की कृपा है। मैं ये सोचता था मेरे वो शराबियत के ग्लानि में कि अगर मैं कोई कॉकरोच को, झुरड़ को मारने को जाऊं, या कोई स्पाइडर को, यू नो जो वेब बनाते, कोड़ी को, कोड़िष्ठकों को मारने को जाऊं, तो वो भी अपनी जान बचाने के लिए दोस्तों इधर उधर 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 भागता है। मराठी में हम कहते यू नो सैरा वैरा पलटो, झुरळपण आणि कोळीपण, इसको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बोलते हैं, जो नेचर ने बोलो, निसर्ग ने, हायर पावर ने बोलो, उच्च शक्ति ने, भगवान ने बोलो, गॉड ने, हर एक जीवित प्राणी को दी है। दोस्तों शराब ने मेरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट निकाल के ली थी। आई वॉज ड्रिंकिंग जस्ट टू डाई,
मुझे मालूम था जिंदगी में मेरी शराब कभी नहीं बंद होने वाली है और मैं शराब पीते पीते मरने वाला हूँ। कभी आत्महत्या करने की दिल में नहीं आया विचार, यार सुइसाइड अटेम्प्ट मैंने कभी नहीं किया। बोला जिंदगी जब तक है तभी तक शराब पीने का, अगर सुइसाइड किया तो उतना मेरा टाइम कम होएगा ना शराब पीने का, ये लफड़ा होएगा। मैं वो मूर्ख आदमी हूं दोस्तों। नकारात्मक भाग देखिए, एक तो नकारात्मक भाग की वजह ये थी कि मैंने खुद ही एक शराबी की संकल्पना बनाई थी। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, अच्छा कपड़ा नहीं होना चाहिए, अच्छा घर नहीं रहने को होना चाहिए, फटा टूटा कपड़े में बीवी को मारता है, गाली देता है, रस्ते पे गिरता है, हले डुले महात्मा फुले, लंबी लंबी रुंदी मोदत हो तो गटर में गिरता है वो शराबी, कंट्री हाथ बट्टी पीता है वो शराबी, जिसको कर्जा है वो शराबी, जो घर की चीजें बेचता है वो शराबी। कालांतरन एज द टाइम पास्ट मैंने देखा कि बहुत जन स्कॉच पी के मर गए, मेरे पहचान वाले करोड़ों रुपए रख के मर गए दोस्तों, बहुत लोग मर गए। अभी मेरा जो ये इतना स्ट्रॉन्ग डिनायल था उसकी भी मैं आपको वजह बताता हूं। मैं स्कूल में मेरे बाजू में मेरे बेंच में भी किसको भी बैठने को नहीं देता था, बिकॉज मैं क्या नोट्स निकालता हूँ वो मालूम पड़े। प्रिंसिपल बोलते थे मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द होल स्कूल, SSC में चौथा आया मैं महाराष्ट्र में। और मुझे ये भी मालूम पड़ा ये बहुत डेमोक्रेटिक डिजीज है, तुम्हारा पैसा नहीं देखता, बिकॉज इट इज इन द पब्लिक डोमेन में बोल रहा हूँ। मफतलाल के घर का, गरवारे के घर का बच्चे लोग मर गए दारू पी के। सिंघानिया जैसे को घुटने टेक के आना पड़ा, वो 32 साल सोबर रह के इतने अल्कोहलिक्स को मदद किए उन्होंने, अभी तक सिंघानिया स्कूल में मीटिंग चलती है दोस्तों। 35 साल हो गए शायद वो ग्रुप को, ये ज्यादा भी हो गए। ऐसा है, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मुझे पैसे का कुछ अनुभव नहीं है, मैं नहीं बोल सकता। नेता अभिनेता कितने मर गए, जितना बोलू यू नो, बज एल्ड्रिन वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू गो ऑन मून बिकॉज दिस इज इन द पब्लिक डोमेन, उन्होंने एडमिट किया करके मैं बोलता हूँ। मुझे पता है ट्रेडिशन कि मुझे इसकी एनोनिमिटी तोड़ने का कोई हक नहीं है, ये लोग पब्लिकली एडमिट किए हैं, आप गूगल कर सकते हो। बज एल्ड्रिन जो नील आर्मस्ट्रांग के बाद चांद पे उतरे वो अल्कोहलिक, हिलरी रोडहैम क्लिंटन की मदर, उनकी पूरी फैमिली अल्कोहलिक, क्या बोलूं मैं आपको। सो वी आर इन गुड कंपनी, ऐसे नहीं कि हम आलतू फालतू लोग के साथ है। अभी ना तो मैं नेता अभिनेता हूं, ना तो मैं कोई बहुत पैसे वाला हूं। हाँ, किसी को अगर अपने एजुकेशन पे, अपने होशियारी पे बहुत गर्व हो ना, तो दिस अल्कोहलिज्म इज अ वेरी डेमोक्रेटिक डिजीज, एकदम लोकशाही, उधर कुछ नहीं देखता, तुम्हारी जात पात, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा गोत्र, तुम्हारा मदर टंग, तुम्हारा पैसा, तुम कितने फेमस हो, सेलिब्रिटी हो, तुम कितने पढ़े लिखे हो, कुछ नहीं देखता। डायबिटीज देखता है क्या, कैंसर देखता है क्या, ब्रेन ट्यूमर देखता है क्या? ये मेरे जैसे महा बेवकूफ बेवड़े के दिल में यू ही कुछ संकल्पनाएं रहती है कि बेवड़ा ऐसा होता है, मध्यपाश कुछ नहीं देखता दोस्तों। ये मुझे लास्ट का जो बोलता हूं वो बोलने को भी शर्म लगता है। मैंने बोला भी नहीं था, मेरे एक ग्रुप के मेंबर है थाना रिवाइवर ग्रुप के, अनिल एम बोल के, उन्होंने फाइंड आउट किया, वो कुछ काम से IIT को गए थे। मैं जो बहुत जन बोलते तू ये जानबूझ के शेयर करना, हालांकि मुझे बहुत शर्म लगती है शेयर करने को, मैं ओनली SSC में चौथा नहीं हूं, ये उसके लिए बोल रहा हूं जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, गधा मेरे जैसा, या खुद को बहुत होशियार समझता हो। मैं IIT बॉम्बे जो इंडिया का टॉप मोस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग के लिए, उसका डबल PhD हूं, दोनों PhD में गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडल है मेरा। माला रांगत यायला लागलं ये मध्ये काही बघत नाही, सगळं शिक्षण, अक्कल, हुशारी सब बाहर रख के मुझे आना पड़ा दोस्तों। और मेरे में क्या था, ईमानदारी जरा भी नहीं थी, खुलेमन जरा भी नहीं था, प्रामाणिकपणा जरा भी नहीं था। मैं टॉपर था करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, एलोक्यूशंस, डिबेट्स, मैं टेबल टेनिस, चेस, कैरम, स्विमिंग का चैंपियन हूं। अभी मेरा जो ये था कि नहीं, गधेगिरी मैंने क्या क्या की देखो, जो मेरा डिनायल था नकारात्मक भाग की मैं बेवड़ा नहीं हूं। देखो कितने लोगों ने मैंने देखा है, फर्स्ट मीटिंग से उनकी शराब बंद हुई,
बिकॉज उनमें ईमानदारी थी, खुले मन, उनका खुला मन था, प्रामाणिकपणा था, मेरे में कुछ नहीं था। और इतने लोगों की बंद हो गई, जब उनको मालूम पड़ गया कि ये एक बीमारी है और मैं बीमारी से लड़ नहीं सकता, मैंने बीमारी को भी एक बहाना बना लिया, आई हिड बिहाइंड द डिजीज। दोस्तों, मैं वो बेवकूफ आदमी हूं जिसने सेरेनिटी प्रेयर का उल्टा अर्थ निकाला है। हे ईश्वर, हम जिन चीजों को बदल नहीं सकते, देवामी ज्या परिस्थितीला बदलू शकत नाही, ती स्वीकारण्यास मनाची प्रसन्नता मला दे किंवा आम्हाला दे। मैंने उतना ही पड़ा खाली, आगे का नहीं। जी परिस्थिती बदलू शकतो ती बदलण्याचे धैर्य मला लाभू दे, आणि अशा परिस्थितीला भेद जाणण्याचे ज्ञान आम्हाला दे। पहिलाही लेके पड़ा, मैं बेवड़ा हूं, मैं दारू पी के मरने वाला है। इसका रीजन क्या है? हट्टी, एककल्ली, एकेखोर, ये मेरा स्वभाव, किसी का सुनने का नहीं। हम लोग मराठी में बोलते हैं, करिंते कारण आणि बांधिनते तोरण, मणिंती पूर्व दिशा। तो मैं जब भी मीटिंग को आता था टाइट में, और कोई बोलता था मेरा नाम अमुक तमुक है और मैं एक शराबी, वहां आए अमुक तमुक, सब लोग बोलते थे ओके। अभी बोलते बोलते वो आदमी बोलता था, और ईश्वर की दया कृपा से मैं पिछले 14 साल 9 महीने और 23 दिन शराब के पहले गोट से दूर हूं। और मैं बॉइलिंग होने लगता था, माता जलफड़ाट वायचा, जलने लगता था मैं अंदर से, मनी मन में उसको मैं कोस रहा हूं, गाली दे रहा हूं, बीसी एमसी, समझ गए ना क्या गाली तूने शराब से गद्दारी की है, तुझे खुद को बेवड़ा बोलने का कोई हक नहीं है, मद्यपी बोलने का कोई हक नहीं है, अल्कोहलिक बोलने का कोई हक नहीं है, तूने शराब से गद्दारी की, तूने शराब पीना बंद किया। असली शराबी मैं हूं, जो दारू पीते पीते मरने को तैयार हूं, अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हूं शराब के ऊपर। तू काय का शराबी, नाटक करता है क्या? ये शराब के ऊपर प्रति मेरा प्यार, मेरा लगाव, यू नो, जो एक भक्त का भगवान के ऊपर होगा ना वैसा। अभी मैं जब भी हमारे, देखो मैंने क्या क्या गधेगिरी की है, वो सुनते हैं कि पढ़ा था, सुना भी था, एवरी अल्कोहलिक मस्ट हिट रॉक बॉटम, एकदम तड़ गाठेला पाएंगे। तो मैं धनाधन धनाधन और फास्ट 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 दारू पीने को लगा, रॉक बॉटम जल्दी आवे, बिकॉज मुरूम में तो बड़ा स्काई स्क्रेपर नहीं बनता ना, 20-25-30 माले का बिल्डिंग, जेवा जब नीचे खड़क मिलेगा, खड़क रॉक, तभी मैं स्काई स्क्रेपर मोटी इमारत उभारू शकेन ना माझ्या सोबरायटीची। तो आई मस्ट हिट रॉक बॉटम वेरी फास्ट, कुछ नहीं हो रहा था। उधर हमारे रिवाइवर ग्रुप में 2-3 रिकवरीज है, बहुत अभी तो बहुत ज्यादा है, तभी कम से कम 3-4 थी जो अब कृपा फाउंडेशन से। तो मैंने मोटरसाइकिल निकाला और सीधा फादर जो को मिलने को गया, तभी सुषमा जी भी थी कि गई हो, उधर गया माउंट मेरी में, बोलो फादर मुझे ऐसे ऐसे एडमिट होना है रिहैब में। बोला अच्छा, मैं रिवाइवर ग्रुप का मेंबर, उधर की 2-3 रिकवरीज थी, उनका नाम बताया, इसको पहचानते उसको पहचानते, ये मेरा दोस्त है वो मेरा दोस्त है। अच्छा बोले, तो मेरे पास देखा झपक कपड़ा, अच्छा रोलेक्स का घड़ी, डायमंड का रिंग, ब्रेसलेट, ये वो। तू बोला किधर रहता है? बोला मैं भी ठाणा में रहता हूँ। तू बोला कैसा आया? बोला मैं बाइक से आया हूँ। बोलते तू घर में जा, बोलते हैं तू अगर बाइक से आ सकता है ठाणा से बैंड्रा, तो अभी तक तेरा रिहैब में एडमिट होने का टाइम नहीं आया है, तू आ, जब भी तेरा टाइम आएगा, अगर आ गया तभी आ जा। और जो जेलिनिक स्कोर बोलते हैं, सर करके जो मेरा घसरण हो गया ना दोस्तों, ये जो मेरे 3 रिहैब, 8 हॉस्पिटल, 3 टाइम रमफिट, 1 ब्लड वॉमिट, 99 और 2000 में हुए, बीच में ही थोड़ा जंप करता हूं कि बाबा है, इफ यू कांट मेक इट फेक इट। मैं खाली डिजीज ऑफ डिनाइल शेयर करने के लिए नहीं आया हूं दोस्तों, द होल प्रोग्राम इज अबाउट शेयरिंग एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप, अनुभव, धैर्य आणि आशा। आज अगर कोई मेंबर होगा जो अभी ही मीटिंग्स करने लगा है, या जिसके पास ये रिकॉर्डिंग पहुंचेगा, उसको मैं एकदम भरोसे के साथ कह सकता हूं कि उसने अगर मैं जैसे ए को आते रहा और हुआ, 5 मार्च 2002 को मेरी फर्स्ट टाइम दारू पीने का बंद हो गया। इधर मैं कोई झूठा बोलने को नहीं आया हूं, उसके बाद भी 2-3 मरतबा मेरे हाथ में दारू आए, वो क्यों? बिकॉज ऑफ दिस डिनायल। हर जो शराबी को दिल में रहता है क्या नहीं, एक ना एक दिन ऐसा होएगा
कि मैं सब ठीक हो जाएगा मेरा और मैं नॉर्मल दारू पी सकूंगा। वो मेरे में भी था दोस्तों, मेरे में भी था। कितना ट्राई किया, ये दशहरा से, ये गुड़ी पड़वा से, ये रामनवमी से, महाशिवरात्रि से, अलग अलग कोर्सेज किए। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आई एम अ सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर, सिल्वा माइंड कंट्रोल फोरम, मेरे रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ पॉला होरन से न्यू दिल्ली में। देखो एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, अगर ये कहता है कि मेरा एक पैर कट गया है ना तो मुझे ऑर्थोपेडिक के पास जाना चाहिए, बैसाखी लेनी चाहिए, कुबड़ी क्रच। मैं गया एनएलपी, मेरा भेजा तपस के, देखो पाइल्स हो गया, देखो अरे मिलने वाला है क्या। मैं दो ही अनुभव बोलूंगा बिकॉज मुझे लगता है मुझे क्वेश्चन आंसर भी लेने हैं, मुझे 8:25 तक टाइम दिया है दोस्तों। इतने खराब अनुभव है ना, पूरी नाइट विजिल बात कर सकता हूँ, आंख बंद करके बैठता हूँ ना, इसीलिए मैं तहे दिल से शुक्र शुक्रिया अदा किया नवजीवन समूह का। ऐसी जब भी संधि आती है ना के लाइफ में झांकने की, सब सगड़ा सा समोरियन उभर आता, सब सामने आके खड़ा रहते, मैंने क्या झक मारी है, क्या किया है। दो अनुभव तो जरूर बोलूंगा मैं। हमने सोचा कि हम नए घर में आए ठाणा में 1994 में, उधर ना तो सत्यनारायण का पूजा किया ना तो किया गृह शांति, तो उधर शांति करते हैं, बहुत बड़ा हवन रहता है 3 घंटे का, 4 गुरुजी लगते हैं। उधर शांति का भवन किया, हवन किया, उनके साथ प्रसाद भोजन किया, वो सिल्क का कुर्ता और पजामा डाल के पिताजी को बोला उनको नीचे छोड़ के आता है। बोला क्यों नीचे छोड़ के आता है, कोई बैठना? बोला नहीं, मैंने सोच लिया था क्या करने का। नीचे छोड़ने गया, दो खिसे में 2 क्वार्टर लेके आया कुर्ते का, जो बेवड़ा होगा उसको मालूम पड़ेगा 1 क्वार्टर पीने को कितना टाइम लगता है। खटाखट पिया, दूसरा क्वार्टर खत्म करने से पहले उसके जो ढक्कन में बूच में दारू निकाल के रखा, दूसरा क्वार्टर भी खत्म किया, खाली बूच में दारू रही। मैंने क्या सोचा था, मैं अभी ये उदक शांति के हवन में दारू की आहुति दूंगा शराब की, तो मेरी शराब बंद। जो पवित्र अग्नि में मैंने असली घी चंदन की आहुति दी थी दोस्तों, उस पवित्र अग्नि में मैंने दारू को डाला, वो बूच में का वो भटका उड़ाला, दारू नहीं बंद हुई। और एक अनुभव कहता हूं, क्या क्या पागलपन बोलते हैं ना, पागलपन, अकाली मृत्यु, कितना टाइम कितना सीरियस, कुछ पूछो मत। पागलपन का और एक अनुभव मैं जरूर देना चाहूंगा, फिर मैं शायद स्टॉप भी करूंगा, लेट इट बी मोर लाइक अ डिस्कशन। मैंने सोचा कि मैं मेरा लिटिल फिंगर करंगली बोटा जी शिवलिंगा के ऊपर काट के लिए और प्रतिज्ञा करूं कि मैं आज से दारू नहीं पीऊंगा, जैसे कि मैं शिवाजी महाराज हूं। तो उधर एक नारायण का अड्डा सुना था, एक सावंत भाई का अड्डा सुना था हमारे इधर खोपट में, अंबेडकर रोड के इधर उथल सर में। साला बोलो पहला धार का पेट थी अपन पिया ही नहीं रे, अभी संडे था, सोमवार को काटने का था, हमारा कुलदैवत शंकर है, तो मैं संडे को गया उधर, वो मेरा हुलिया देख के वो हैरान हो गया। उधर पूरा वो अब शेनानी सारो ले लो, तो काउडंग से मेरे को प्लास्टिक का कुर्सी लाके दिया, लाओ बैठो। मतलब नारायण तुम्ही मी गाय, मतलब होती पहले दारे चाना एक क्या नाना 5 लीटर का, जो सब लोग है सब तो पिलाओ मेरी तरफ से। वो खुश, बेवड़े भी खुश, काय साहब काय चकना बिकना, काय आनो काय चकना, काय अंडा बॉईल भुर्ची काय आनो, मतलब माला का लागत नहीं, मतलब मैं लोनसा मीट। दोस्तों अल्कोहल ने, मेरे शराब ने मेरे जीवन का सब खाना निकाल के लिया था ना, मैं बॉइल्ड अंडा खा सकता था ना, भुर्ची पी खा सकता था, कुछ नहीं। उधर 10-12 गिलास प्योर का पिया, उसका आदमी मुझे घर में छोड़ने आया। दूसरा दिन फटाफट बोलता हूँ, किधर मोटरसाइकिल रखा याद नहीं, वो ढूंढ के लाया, अभी घर में आया, ये पागलपन का हद है। घर में आया, आज करंगली काटने का प्रोग्राम है, ये 2000 की शायद बात होगी, 2000 की बात है, तभी एक पैक का बॉटल भी मिलता था। मैं बोला साला ऐसा भी करंगली काटने का है, आज के बाद दारू बंद ही छोड़ करने का है ना अपन को, अपना ऑल और नथिंग एटीट्यूड है, तो क्यों नहीं साला 7 पैक पी के मैं बंद करूं। देखो हफ्ते के 7 दिन, इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 खंड, 7 समुंदर, 7 जन्म, मैं 7 पैक पी के दारू पीऊंगा, अभी बाद में करंगली काटूंगा तो ये जन्म नहीं, 7 जन्म मुझे तो शराब नहीं पीना पड़ेगी। हाफ बॉटल लेके आया, एक पैक पैक का बॉटल लेके आया, धना धन जाके अंदर पिया, नान दाढ़ी किया, बाहर आया करंगली काटा, रब करके घर भर खून, पिताजी मेरे पीछे भाग रहे, मेरी शराब नहीं बंद हुई दोस्तों। तो अभी मैं ये
यहां को मैं अपना टर्न करना चाहूंगा कि जिसको जस्टिफाइंग बोलते हैं, समर्थन करने, मिनिमाइजिंग बोलते हैं, कमी करून सांगणे किंवा रॅशनलाइजिंग विशिष्ट करून सांग, मेरे पास बहुत 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 जस्टिफिकेशन था दारू पीने के लिए। मैं बोला मैं दारू पी सकता हूं, मेरे को इतना सब प्रॉब्लम है, ये नालायक लोग क्यों दारू पीते हैं मुझे पता नहीं, मेरा पहला जस्टिफिकेशन। 1979 में जब मैं इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में था, मेरी माँ मैसिव सेरिब्रल हेमरेज, मेंदू में नस फूट के उसको अटैक आ गया सेरिब्रल हेमरेज का। बाद में 4 साल वो बेड रिडन थी, उसके 3.5 महीना तो कोमा में ही थी, फिर कोमा में से बाहर आ गई, 4 साल बेड रिडन थी, कभी बात नहीं कर सकी, कभी उठ के भी नहीं बैठ सकी। तो माँ को मुझे रॉयल ट्यूब देना, अब रॉयल ट्यूब डालना पड़ा था, कैथेटर डालना पड़ा था, सीरिंज दे के टॉयलेट के लिए इंजेक्शन देना पड़ा था। आई वॉज ट्रॉमेटाइज्ड इन चाइल्डहुड। और 1983 में 22 साल का मैं जब भी था, तभी मेरी माँ चल बसी। बोला मेरी माँ बहुत बचपन में चल बसी हालाल होके, तो मेरा भगवान के ऊपर का भरोसा पूरा उड़ गया था। बिकॉज मेरी माँ उठ के स्नान करके साई सच्चरित्र का, साई बाबा का एक अध्याय पढ़ने मेरे लिए कुछ पानी भी नहीं पीती थी। बोला भगवान ने इसका ऐसा क्यों किया। 1986 में मेरी लड़की बॉर्न हुई श्रद्धा। तो मैं जब भी ऑफिस में था, मेरा वाइफ का और मेरा पिताजी का कुछ झगड़ा हो गया और वो पागल ने 1.5 बाटली बेनाडिल पी। जब मेरी बेटी 3.5 साल की उसके पेट में थी, 3.5 महीने वो जब भी प्रेग्नेंट थी तभी, फिर उसको लेबर में भी बहुत टाइम रखा गया, सीजोरियन नहीं किया। उसकी वजह से दोस्तों मेरी बेटी को थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब अब ऐसा आपको समझेगा भी नहीं, जो ताजे जमीन पर है ना बच्चे बताए वैसा है, उसको लर्निंग डिसेबल्ड बोलते हैं या डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो मेरी बेटी को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है ना बोल के मैं शराब पीता हूं, मेरा जस्टिफिकेशन देखो, मेरा रैशनलाइजिंग देखो। फिर 12 जून 1993 को मेरा और मेरी वाइफ का भी नहीं पटा, तो हमारा सेपरेशन हो गया, डिवोर्स पे केस गए। मेरा सेपरेशन हो गया ना, डिवोर्स हो गया ना, इसके लिए मैं दारू पीता हूं। पुअर मी, हिंदी पिक्चर में सब में देखा था, किताबों में, इंग्लिश पिक्चर में, ऐसा कुछ होएगा, कोई घर में का जाएगा, मर जाएगा तो शराब पीता है दुख में कम भुलाने के लिए। सेपरेशन होएगा, डिवोर्स होएगा, गर्लफ्रेंड बीवी छोड़ के गई तो शराब पीने का रहता है, बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो शराब पीने का रहता है। कालांतर से मैंने ऐसे बहुत लोगों को मिला जिनको माँ पैदा होते ही अनाथ आश्रम में छोड़ के गई थी, या कचरे के डब्बे में फेंका था, उधर से किसी ने उठा के बड़ा किया, वो शराबी नहीं बने। मेरी माँ तो 22 साल की, 22 साल की उम्र तक थी मेरे पास, मैं शराबी बना बिकॉज मुझे शराबी बनना था। श्रद्धा के लिए हम जब स्कूल देख रहे थे, वो तो आराम से चल सकती है, बात कर सकती है, पढ़ सकती है, ऐसे बच्चे देखिए जो व्हील चेयर कन्फाइंड थे, सेरिब्रल पाल्सी, मॉन्गोल्स, डाउन सिंड्रोम, उनके माँ बाप ने शराब नहीं पी, मैंने शराब पी बिकॉज आई कुडंट टेक द स्ट्रेस। माला सगी परिस्थिति मित्रांनो एकदम प्रतिकूल में जो परिस्थिति, मुझे सब अनुकूल परिस्थिति मांगती है, प्रतिकूल परिस्थिति मुझे चलती नहीं है। मेरा सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया, जब फैमिली कोर्ट में गया बैंड्रा में, तब देखा उधर 9 जज है, हर एक के सामने 100-100 केस है डिवोर्स के, रोज रोज बोर्ड पे रोज 900 केस है। अरे वो लोग शराब नहीं पिए, मैंने शराब पी बिकॉज आई कुड नॉट हैंडल प्रतिकूल परिस्थिति। मेरा पेंडुलम का स्विंग इतना रहता है ना, आइदर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड क्लाउड 9 पे और डाउन इन द डम्स। पुअर मी, पुअर मी, आत्मकरुणा, सेल्फ पिटी, रिजेंटमेंट, दूसरे के ऊपर खुन्नस, एंगर, राग। मेरे जैसे आदमी को एंगर, राग इज अ लग्जूरी, एन अल्कोहलिक लाइक मी कैन इल अफोर्ड। कोई डायबिटिक गुस्सा हो गया तो वो साला डब्बा खोल के 2-3 मुठ शक्कर नहीं खाएगा, मेरे सारा बेवड़ा जरूर दारू पिएगा। ये सब मुझे इतना तकलीफ दिया है ना, और मेरे गुण दोषों पे हमेशा पांगरून डाला गया बिकॉज मैं पढ़ाई में अच्छा था ना, मेरे में इतने सब गुण दोष है, मुझे पता भी नहीं था दोस्तों। मुझे लगा कि मेरे जैसा अच्छा मैं ही हूं, अगर मैं मुझे गुण दोषों को जानता ही नहीं तो मैं काम क्या करूं, मैं चीज क्या हूं वो मुझे पता नहीं था। बोलते हैं ना कि सूक्ष्म चीज देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास है, भिंग या माइक्रोस्कोप है, लंबा चीज देखने के लिए बाइनोक्यूलर है, टेलीस्कोप है,
अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर झांक के देखने के लिए दोस्तों अब तक कोई उपकरण नहीं बना है। इसके लिए ये सब अज्ञान में, ये सब डिनायल में मैं जीता रहा। ध्यान और साधना मुझे काम में आई। जो बोलते इफ यू कांट मेक इट फेक इट, मेरा हायर पावर पे विश्वास नहीं था। मेरे माँ को ऐसा हालत क्यों किया, मेरे बेटी को ऐसा क्यों बनाया, मेरा डिवोर्स क्यों किया, स्पॉन्सर लेने का इच्छा नहीं था, अरे वो भी मेरे जैसा बेवड़ा है, सब कुछ इतना शाणा है तो इधर क्यों आया, सगा नकारात्मक सब नकारात्मक। और स्पॉन्सर वर्ड से मुझे खुन्नस है, इंग्लिश में स्पॉन्सर मतलब जो पैसे की मदद करता है, उसे स्पॉन्सर क्यों बोलते मुझे बाद में मालूम पड़ गया। यूएस में, अमेरिका में जहां शुरू हुई मेरी अल्कोहलिक्स एनोनिमस, उधर हॉस्पिटल में ये बेवड़े लोग हल्ला गुल्ला कभी नुकसान भी करते थे, तो किसी को अंडरटेकिंग लेना पड़ता था, इसने कुछ नुकसान किया कुछ किया तो मैं भरपाई करके दूंगा, इसके लिए उसे स्पॉन्सर कहते थे। तो ना भगवान पे, ना हायर पावर पे विश्वास, ना स्पॉन्सर पे विश्वास, मैं स्पॉन्सर लेने का भी इच्छा नहीं, अरे वो भी बेवड़ा है, इतना शाणा है तो इधर क्यों उसको आना पड़ा, ये नहीं सोचा कि वो मेरे जैसा है, उसने इस पे मात की है। बिकॉज मुझे मात करनी ही नहीं थी ना, मुझे दोस्तों दारू पी पी के मरना था। भगवान का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है कि मैं आज शराब से दूर हूं और वन पीस में हूं। कितने मेरे दोस्त ऐसे नहीं है दोस्तों, मैंने देखा है बड़े होटल का मालिक है, शराब, एक एग्जांपल, शराब पी के चल रहा था, बुलेट ने उड़ा दिया, भेजा हिल गया है, यू नो सर पे 24 टाके है, स्कल में फ्रैक्चर हो गया था, पूरा मेंदू हिल गया है, एक आंख की दृष्टि पूरी चली गई है, दूसरी आंख की दृष्टि खाली 25% है, पैर में बड़ा आयरन का रॉड है, ये हालत की है दोस्तों। जैसे बोलते हैं ना कि एयर कंडीशनर, वैसे अपने एक मीटिंग में दोस्तों हॉट कंडीशनर बिठाए गए हैं, मैंने अनुभव लिया है, आप भी जरूर लेना। ये जरा भी किसी पे भी भरोसा नहीं करने वाला नीलकंठ, ठेके खोर, एक गल्ली हट्टी करीनते कारण बांधिनते तोरण, वो अगर सुधर सकता है तो ए में आके कौन भी, कोई भी सुधर सकता है। और मैं अभी तो मुझे हंसना मत, मैं सच्ची बोलता हूँ, मैं आज शुक्रगुजार हूँ कि मैं साला बेवड़ा बना और ए में आया, मुझे खुद के पास देखने का संधि तो मिला, नहीं तो मैं पूरा जिंदगी ऐसे ही जीता रहता था, उल्टा सुलटा बिहेव करके, स्वार्थी पना, मेरा लस्ट, मैं वासना में कितना डूबेला हूँ। नहीं तो मुझे तो कुछ तो लगता था, मैं या तो ड्रग्स लेता था या कोई क्रिमिनल, मुझे कांस्टेंट कुछ हाई मांगता है दोस्तों, वो आज हाई मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम से लेने को देखता हूँ। मुझे नया जीवन समूह ने बात करने की संधि दी, आपने शांति से सुना, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया।